मिश्रा न्यूटांटा कंपनी की तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक करता हूं। आज हम लोग तेहरा मार्केट के एक गांव में मौजूद हैं जो कि आगरा जिले के अंदर पड़ता है मुखरई गांव में। यहां हमारे एक किसान भाई ने हमारी कंपनी की सिंगल कट हाइब्रिड एलिफेंटा लगा रखी थी, तो उनसे आपको रूबरू कराएंगे और लाइव प्लॉट भी आपको दिखवाएंगे कि ये वैरायटी यहाँ कैसा परफॉर्म कर रही है। जबकि इस साल ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो SSG के लिए एक क्लाइमेट फेवरेबल नहीं रहा है, उसके बावजूद भी इस वैरायटी ने यहाँ ये परफॉर्मेंस दी है। नमस्कार साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। गाँव आपका? डेहरकापुरा। मोबाइल नंबर आपका? 70 78 83 57 70। तो ये वैरायटी जो लगी हुई है चारे के अंदर सिंगल कट हाइब्रिड, ये कौन सी वैरायटी है, किस कंपनी की है? न्यूटांटा की एलिफेंटा है। न्यूटांटा कंपनी की एलिफेंटा है। तो आप हमें ये बताएं कि आप लगातार SSG कर रहे हैं, आप ऑन डिमांड एक अच्छी कंपनी की लास्ट ईयर भी आपने लगाई थी जैसा आप बता रहे थे, उसके मुकाबले हमने ये वैरायटी इस साल आपको लगवाई, अब उस वैरायटी में और इस वैरायटी में आपको क्या अंतर लग रहा है, ये वैरायटी ओवरऑल आपको कैसी लग रही है, तेज बोलने थोड़ा? उस वैरायटी से ये वैरायटी बहुत अच्छी है और लंबाई में भी इसकी लंबी है, पत्ते की चौड़ाई भी ज्यादा है, पत्ते की चौड़ाई अच्छी है, तेज बढ़ती है। अगर आप तेज बढ़ती है तो जैसे ओवरऑल फसल का ड्यूरेशन की बात करें, कितने दिन की फसल होगी ये? 90 दिन की वैरायटी, 90 दिन के आसपास की ये फसल है। पानी आपने अभी तक 90 दिन में इसमें कितने लगा दिए? इसमें 6-7 पानी लग चुके हैं। 6-7 आपने पानी लगा दिए। कीड़ा वगैरह की कोई समस्या इसमें आपको? कीड़ा वगैरह कोई प्रॉब्लम नहीं। पशु जैसे आप कूट के इसको डालते हैं तो पशु को खाने का रेस्पॉन्स कैसा है इसको? इसमें मैं नरम कुटती है, पशु इसको बड़े चाव से खाते हैं। अरे नरम कुटने में भी नरम है और पशु इसको चाव से खा रहे हैं। बढ़िया चाव। तो बाकी हमारे किसान भाइयों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बढ़िया मैसेज ये कि और किसान भी इसी वैरायटी को लगाएं। अच्छा, हमारे साथ हमारे बीज भंडार तेहरा भी मौजूद है साहब। तो ये वैरायटी आपने बड़े विश्वास के साथ इन्हें देखी, तो आप वैरायटी को देख के आपको कैसा लग रहा है? नमस्कार जी, मैं वृंदा खाद बीज भंडार तेहरा से नरेंद्र पाल कुशवाहा। हमने ये लास्ट ईयर हमने किसानों को उसकी अपेक्षा ये वैरायटी इस साल आई, तो इसमें एक तो ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है, वो वैरायटी इसके बगल में जिसकी हाइट इसके 5 फीट कम है और ड्यूरेशन में 100 दिन की समथिंग हो गई, ये 90 दिन की वैरायटी है और सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोकप्रियता जो लोगों में बनी है एलिफेंटा की बनी है। और मेरा किसानों के लिए एक मैसेज रहेगा कि एलिफेंट न्यूट्रांटा की जो एलिफेंटा है वो अच्छी वैरायटी है और इसकी एक शुगर गोल्ड आती है, बाकी की 4-5 वैरायटी हैं जैसे ग्रास किंग, सुपर ग्रास किंग और डेरी मास्टर, तो ये पशुओं के चारे के लिए सबसे बढ़िया कंपनी है देखा जाए तो ओवरऑल, और अच्छी मार्जिन रेट पे भी है, मतलब अच्छा किसान को ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़ती है। ऐसे ये ओवरऑल अगर आपका कहने का मतलब है कि एक इंडियन कंपनी है, बजट में फार्मर के लिए अच्छी पड़ रही है, रिजल्ट कई गुना अच्छा और कंपनियों के अपेक्षा मिल रहा है, तो सभी किसान भाइयों से यही निवेदन करेंगे कि हमारे न्यूटांटा की एलिफेंटा सिंगल कट हाइब्रिड आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, अधिक मुनाफा करें। अगर हम इसके हाइट की बात करेंगे तो इसकी हाइट जो इस समय अभी हम लोगों ने मेजरमेंट किया था करीब 15 से 17 फुट के बीच में इसकी हाइट निकल के आ रही है, जो कि आप लोगों के सामने थोड़ा आपसे कहेंगे कि थोड़ा पूरा प्लॉट एक बार आप दिखाएं हमारे सभी किसान भाइयों को। इधर दिखाओ, ये आपकी 16 फीट की हाइट जा रही है, 16 फीट 16.5 से 17 तक है। बाकी सभी किसान भाइयों को यही दिखा रहे थे, हमने आपको मेजरमेंट भी करके दिखाया, करीब 16.5 फीट के आसपास इसकी हाइट है। पत्ते की बात करें थोड़ा आप पास से दिखाएं, इसकी पत्ते की आप चौड़ाई भी देख सकते हैं, पत्ते की आप लेंथ देख सकते हैं पूरी, कि पत्ते की लेंथ बहुत अच्छी है, प्रोटीन भी इसमें भरपूर आपको मिलने वाली है और पशु भी आपका काफी चाव से इसको खाने वाला है। तो सभी किसान भाइयों से यही कहेंगे कि वैरायटी को आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें, अधिक मुनाफा कमाएं। धन्यवाद।